फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी फ्रेंड्स? आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं सजीव और निर्जीव के बारे में, यानी कि लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों का, लिविंग का अर्थ होता है सजीव और नॉन लिविंग का अर्थ होता है निर्जीव। धरती पे आप उपस्थित बहुत सारी चीजें देखते हैं, हर दिन नई नई चीजें देखने को मिलता है। कुछ सजीव चीजों को देखते हैं, कुछ निर्जीव चीजों को। तो हमको कैसे पता चलता है कौन से जीव सजीव है, कौन से जीव निर्जीव है, उनके बारे में आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम सजीवों की बात कर लेते हैं, ठीक है? सजीव, सजीव को हम इंग्लिश में लिविंग कहते हैं, लिविंग कहते हैं, लिविंग थिंग्स कहते हैं। यानी कि धरती पर उपस्थित जितने भी जीव, जो सजीव जीव है, वो जीवित होते हैं। कैसे होते हैं? जीवित होते हैं, उनके अंदर जान होता है तथा वह बहुत सारे सेल से, यानी कि कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। कोशिकाओं से मिलकर बने हुए जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी थिंग्स आप देखते हो, वो सजीव कहलाती है। आप कैसे पता करेंगे कि यह सजीव है? तो सजीव के कुछ गुण होते हैं, चलिए हम आपको बताते हैं कि इनके क्या क्या लक्षण होते हैं सजीव के। जो सजीव होता है फ्रेंड, वह पहला पॉइंट में हम देखेंगे, जो सजीव होते हैं वह स्वयं से गति करते हैं। स्वयं से गति करना, इसका क्या अर्थ हो गया? स्वयं से गति करने का, स्वयं से जो गति करता है उसे हम सजीव कह देते हैं। मान लीजिए कि मैं सजीव हूँ, चांद है मेरे में, बोल रही हूँ सजीव हूँ। तो मैं स्वयं से गति करने का अर्थ होता है कि अगर मैं चाहूँ तो अभी मैं उधर जा सकती हूँ, कोई जबरदस्ती या कोई मुझे उठाकर उधर नहीं कर सकता है। तो ये होता है स्वयं से गति करना। दूसरा पॉइंट हम बात करते हैं, जो सजीव होते हैं वह श्वसन करते हैं। श्वसन करना यानी कि रिस्पायरेशन, श्वसन। सजीव श्वसन करते हैं, श्वसन में वो कौन सी गैस लेते हैं? तो ऑक्सीजन को क्या करते हैं? लेते हैं। तथा कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 को क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। ये बताइए, क्या जो सजीव है इसमें प्लांट्स आते हैं? बिल्कुल, प्लांट्स भी सजीव की कैटेगरी में ही आते हैं, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो भी श्वसन करते हैं। वह श्वसन के माध्यम में O2 को बाहर निकालते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ग्रहण करते हैं। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं कि सजीव जो होते हैं पोषण करते हैं। पोषण का अर्थ होता है न्यूट्रिशन, यानी कि जितने भी सजीव होते हैं धरती पे, वह अपने जीव दिनचर्या को या अपने जीवन को चलाने के लिए भोजन करते हैं, यानी कि खाते हैं, तभी तो आप उसको एनर्जी मिलेगी। मान लीजिए मैं हूँ, आपके सामने मुझे बोलना है, मुझे बोलने के लिए भी तो एनर्जी की आवश्यकता होती है। या फिर दो व्यक्ति जो लड़ाई कर रहे हैं, जो ज़्यादा पोषण लिया हो जीत जाएगा, जो कम पोषण लिया हो मर जाएगा। तो जो सजीव होते हैं वो एनर्जी के लिए पोषण को ग्रहण करते हैं। चौथा पॉइंट हम कहेंगे उत्सर्जन। उत्सर्जन का क्या अर्थ होता है फ्रेंड्स? उत्सर्जन, उत्सर्जन का अर्थ होता है ना एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन बोलते हैं इंग्लिश में, एक्सक्रीशन। अब उत्सर्जन का क्या मीनिंग हुआ? जो प्राणी होते हैं सजीव, वो जो भी भोजन खाते हैं, उन भोजन में जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, वेस्ट प्रोडक्ट यानी कि खराब पदार्थ, उसको अपने शरीर से बाहर निकाल देने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। जैसे हम लोग लाइटिंग, पेशाब, पसीना आना, ये सब उत्सर्जन का ही पार्ट है। यानी कि अपने शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर के बाहर कर देना ही उत्सर्जन कहलाता है। अगला पॉइंट हम लोग कहते हैं फाइव नंबर पॉइंट, क्या होता है? यह समय के साथ वृद्धि करते हैं, यानी कि ग्रोथ होता है। जितने भी सजीव होते हैं वो ग्रोथ करते हैं, यानी कि वृद्धि करते हैं। अब बताइए, प्लांट्स में तो हमेशा वृद्धि होता है, प्लांट जो होता है ना हमेशा के लिए वृद्धि करता रहता है। लेकिन मनुष्य ऐसा प्राणी है जो समय के साथ उसकी ग्रोथ रुक जाती है, यानी कि एक निश्चित समय होता है, उस समय के बाद वह ग्रोथ क्या हो जाती है? रुक जाती है। ये सब हार्मोन्स के कारण होते हैं, आपको आगे बताया जाएगा। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स रिप्रोडक्शन, यानी कि जनन या प्रजनन बोलते हैं इंग्लिश में, हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, जितने भी सजीव होते हैं वो जनन करते हैं। जनन करने का क्या तात्पर्य है? जनन करने का तात्पर्य यह है कि अपने जैसे नए संतानें को क्या करना, जन्म देना, नई संतान बन पैदा करना, उसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन, यानी कि जनन और प्रजनन। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स क्या, इसकी आयु सीमा, यानी कि जितने भी सजीव होते हैं एक निश्चित समय तक, निश्चित
समय तक क्या होते हैं, जीते हैं, उसके बाद वो डेथ कर जाते हैं। ये सब थे सजीव, और सजीव के एग्जाम्पल अगर मैं लिख दूँ तो क्या हो जाएंगे, मनुष्य हो जाएंगे। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, मनुष्य हो जाएगा, जानवर हो जाएंगे, जानवर, पेड़ पौधे हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, पेड़ पौधे, जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, ये सब क्या होते हैं, ये सब सजीव होते हैं। अब हम बात करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं निर्जीव के बारे में। तो धरती पे उपस्थित जितने भी ऐसे जीव जो स्वयं से गति नहीं करते या श्वसन नहीं करते या रिप्रोडक्शन नहीं करते, ऐसे जीव जो होते हैं निर्जीव होते हैं। तो ये सब क्रियाएं क्या उसमें होती है, इसमें स्वयं गति होती है, नहीं, इसमें स्वयं गति नहीं होती है। स्वयं गति क्या होती है, इसमें नहीं होती है, नहीं होती है। क्योंकि अगर मान लीजिए ये व्हाइट बोर्ड को ही ले लेते हैं निर्जीव की तुलना में, तो ये व्हाइट बोर्ड क्या यह स्वयं से गति करके दूसरे स्थान तक जा सकता है, नहीं जा सकता है ना, किसी सजीव के द्वारा ही इसको हटाया जाता है तो यह जाके गति करता है। तो इसलिए पहला पॉइंट इसका होता है कि यह स्वयं गति नहीं करते हैं, यह स्वयं गति नहीं होती है। दूसरा पॉइंट, क्या निर्जीव श्वसन करते हैं, नहीं करते हैं, श्वसन करते हैं, नहीं करते हैं। क्यों श्वसन स्वयं नहीं करते हैं, क्योंकि इनमें तो जीवित जान होता ही नहीं है, तो इनके श्वसन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अगला पॉइंट ये पोषण, ये जो होते हैं निर्जीव पोषण भी नहीं करते, जब इनमें जान है ये नहीं, कुछ काम करना वरना है ये नहीं, तो पोषण की आवश्यकता क्यों होती है, पोषण की आवश्यकता भी नहीं होती, श्वसन नहीं करते हैं, पोषण की आवश्यकता भी नहीं होती, उत्सर्जन भी नहीं करते हैं, जो कुछ खाएंगे नहीं तो निकालेंगे क्या, उत्सर्जन भी नहीं करते हैं, तथा वृद्धि, इनमें कोई ग्रोथ भी नहीं होता है, इसमें वृद्धि भी नहीं होता है, तथा जनन प्रजनन, ये सब कुछ मतलब कि जो निर्जीव होते हैं इनमें कुछ होता ही नहीं है। निर्जीव में आपको दिख रहा होगा, जैसे ये मार्कर को ही ले लीजिए, पेन ले लीजिए, पेंसिल ले लीजिए, ये सब चार्ट पेपर ले लीजिए, जितने भी आपको ऐसी चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे भी दिख रही हैं, जैसे कि व्हाइट बोर्ड, चार्ट पेपर, मार्कर, ये सब क्या होते हैं, निर्जीव होते हैं, इनको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। तथा जो इनकी आयु होती है, इनकी कोई निश्चित आयु नहीं होती। मान लीजिए मार्कर है, आज हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो रखें, कल को ये खराब हो सकता है, फेंक सकते हैं, तो इनकी कोई निश्चित आयु भी नहीं हो सकती है। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो था सजीव और निर्जीव के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय।